जय हिंद दोस्तों, ओनली यूपीएससी के जनरल अंडरस्टैंडिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक पर। वर्ल्ड बैंक क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई और इसके जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम क्या है, पूरा वर्ल्ड बैंक समझेंगे। आज के बाद से आपका वर्ल्ड बैंक से कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जिसे आप हिंदी में कहते हैं, आए दिन चर्चा में रहता है कि वर्ल्ड बैंक से फला योजना के लिए इतना पैसा मिला, ढिका के लिए इतना पैसा मिला, यानी कि वर्ल्ड बैंक हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। बहुत सारे लोगों को पता है कि वर्ल्ड बैंक एक बैंक के तरीके से काम करता है, लेकिन वो सिर्फ एक बैंक के तरीके से नहीं काम करता, वो एक डिफरेंट तरीके से काम करता है और उसके बहुत ही वेरियस डायमेंशन है, तो उसको भी आपको समझना होगा। इस वीडियो में अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो पूरी बात आपके समझ में आएगी। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होने वाला है, धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो देश बर्बाद हो गए, क्योंकि विश्व युद्ध बहुत एक महामारी त्रासदी से कम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे देश ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। अब जब युद्ध होंगे तो हालात तो खराब होंगे ही, तो इसलिए जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो सारे देश ने मिल करके कहा कि चलो बैठते हैं, बात करते हैं कि सबके समृद्धि इसी में हो, कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो इसीलिए अमेरिका के एक शहर न्यू हैम्पशायर में एक बैठक होता है और वो जो जगह है जहाँ पर बैठक होता है वो जगह थी ब्रिटेन वुड, ठीक है। तो इसी जगह पर जो है एक समझौता होता है, ब्रिटेन वुड समझौता के नाम से इसको जानते हैं, और इस समझौता 1944 में होता है। आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला, ठीक है। 45 में ख़त्म हो जाता है जब यूएस जापान पर परमाणु बम गिरा देता है, उसके बाद से लगभग युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन युद्ध अपनी समाप्ति की ओर था तभी ब्रिटेन वुड समझौता होता है कि एक ऐसी बैंकिंग की अवधारणा रखी जाए जिसके तहत पूरी दुनिया को उसका लाभ मिल सके। हालांकि ये बात जो है केवल किताबी है, इस पे दादागिरी अमेरिका की ही चलती है और यूरोपीय देशों की चलती है, क्योंकि बनाया ही उन्होंने था। इसीलिए इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, वर्तमान में भी जो प्रेसिडेंट हैं वो यूएस के ही हैं विश्व बैंक के, और जो आईएमएफ के प्रेसिडेंट हैं वो जॉर्जिया के हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक कहने के लिए मौखिक तौर पर, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन है वो कभी भी दुनिया के हित के लिए कोई काम नहीं करता, केवल वही काम करता है जिसका इशारा अमेरिका और यूरोपीय देश कर देते हैं, बनाया ही उसने था, ठीक है। तो जब इन यूरोपीय ताकतों को लगा कि अब उपनिवेशवाद जो है वो दूसरे रूप में होगा, यानी कि फाइनेंस के थ्रू होगा, वित्त के थ्रू होगा, अब लड़ाई लड़के नहीं होगा, वहां जा करके नहीं होगा, अब फाइनेंस के थ्रू होगा, तो इन्होंने ऐसी संस्थाओं का गठन करना प्रारंभ किया और ये नई उपनिवेशवाद की परिभाषा वहां से गढ़ी गई। और ये जो विश्व बैंक है, आईएमएफ है या यूनाइटेड नेशन है, ये जो भी ऐसी संस्थाएं हैं ये उपनिवेशवाद के नए रूप में सामने आपके हैं। हालांकि इसका जो स्वरूप है वो उतना क्रूर नहीं है जितना क्रूर उपनिवेशवाद था। वो आते थे, किसी देश पर राज करते थे, ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को सताते थे, उनका शोषण करते थे, लेकिन यह भी किसी क्रूरता से कम नहीं है जो वर्तमान में चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है वही संचालित करता है दुनिया को, ठीक है। तो इसीलिए यूरोपीय देश और मुख्यतः अमेरिका ने मिल करके प्लान बनाया और ब्रिटेन वुड समझौते के तहत दो ऐसी अवधारणाएँ जन्मी, एक तो है आपका वर्ल्ड बैंक और दूसरा है आपका आईएमएफ। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इसका जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर की जो और डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। आप जानते हैं कि अमेरिका में स्थापना हुआ तो अमेरिका में ही होगा। वर्तमान में 190 सदस्य हैं इसके, और जो सबसे निवेश सदस्य है वो अंडोरा है। अंडोरा जो है एक देश है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर एक छोटा सा देश है, स्थित है। वर्तमान में 190 सदस्य हैं किसके, वर्ल्ड बैंक के। हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, और यहाँ पर आपको एक जानकारी मैं और दे दूँ कि जब कोई देश वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनता है
तो साथ ही साथ वो IMF का भी सदस्य बन जाता है। तो आप इसको कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं, IMF में उतने ही सदस्य हैं जितने वर्ल्ड बैंक में हैं, क्योंकि दोनों एक ही समझौते से बने थे, थोड़ा सा काम में डिफरेंट है इसलिए IMF अलग है, उसको हम अगले किसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है। वर्ल्ड बैंक की जब स्थापना हुई तो इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या नाम था इसका, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो चीजें बर्बाद हुई हैं उस युद्ध के दौरान उसको पुनः बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना एंड डेवलपमेंट और विकास करना। तो जो शुरुआत में बैंक बना, जिसे आप विश्व बैंक की अवधारणा के रूप में जानते हैं, उसका नाम था IBRD। क्या नाम था, IBRD। लेकिन हुआ क्या कि एक जब एक समय आया, वो लक्ष्य लगभग पूरे हो गए, तो IBRD जो है वो एक वर्ल्ड बैंक एक निकाय के रूप में कार्य करने लगा, वर्ल्ड बैंक एक निकाय के रूप में कार्य करने लगा, और वर्ल्ड बैंक जो नाम है ये ज़्यादा फेमस हो गया, ये नाम ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, 1960 में इसमें एक और निकाय जुड़ता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है। इसके स्ट्रक्चर के बदलाव को अगर आप समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि फाइनेंस में जो बदलाव अमेरिका चाह रहा था उसी तरीके से हो रहा है। शुरुआत में क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, यानी कोई चीज़ बर्बाद हो रही तो उसको दोबारा से बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना है। और जैसे ही 1960 यानी कि 15 साल बीत जाते हैं, तो अब किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इन्होंने क्या उसमें जोड़ा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जोड़ दिया। आगे देखते हैं, फिर ये जब दोनों जुड़ गए तो वर्तमान 1960 में IBRD और IDA ये दो मिल करके वर्ल्ड बैंक की अवधारणा बने। बाद में इसमें और कुछ जो है तंत्र जोड़े गए, जिनमें से पहला आपका बना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी कि अभी तक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब ये उससे आगे जा रहे हैं। फाइनेंस का सीधा सीधा मतलब होता है कर्जा दे करके किसी से मुनाफा कमाना और उसको कर्जा देना व्यापार करने के लिए, दैट्स इट। तो अब देखिए यहां पर इन लोगों की चाल क्या है, पहले पैसा इकट्ठा किया, उससे रिकंस्ट्रक्ट किया, जब रिकंस्ट्रक्ट हो गया तो जो पैसा वहां पे प्रॉफिट हो रहा, बैंक है तो प्रॉफिट होगा ही, उस पैसे का उपयोग डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अब जब डेवलपमेंट भी इनके मन का हो गया कि जहां मन किया वहां पर डेवलपमेंट कर लिया, अपनी विदेशी नीति को उसे साध लिया, उसके बाद में फाइनेंस की बात करते हैं कि भैया अब जो गरीब देश है उनको हम पैसा देंगे, ठीक है, और ताकि वो डेवलप करें, और उनके ऊपर थोप देंगे अपनी बहुत सारी नीतियों को। कैसे, जैसे अफगानिस्तान में जब युद्ध चल रहा था, किसके बीच में, तालिबान के बीच में, और वहाँ पर एक प्लेयर रसिया था, USSR उस वक्त था, अमेरिका था, तो पाकिस्तान हमारे बगल का पड़ोसी जो एक बवासीर के तरीके से है, तो वो था, उसको अमेरिका खूब पैसा देता था, एक जो है खूब पैसा देता था उसको, बहुत सारे सुविधाएं देता था, हथियार देता था, और उस वक्त जो है वो अमेरिका कहीं ना कहीं इंक्लाइंड था पाकिस्तान की ओर, और इंडिया से उसके रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, इंडिया का रिलेशन USSR से अच्छा था। तो इसका वजह ये था कि वो फायदा लेना चाहते थे अफगानिस्तान में। तो जब कोई देश किसी को पैसा देता है तो उससे अपनी नीतियों को जो है उसके ऊपर थोपता है और उसका कुछ ना कुछ फायदा लेना चाहता है। अभी ये जो अवधारणा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा किसको मिलता है, जिसको अमेरिका चाहता है उसको पैसा मिलता है, अमेरिका और यूरोपीय देश चाहेंगे उसी को वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा, जो उसके खिलाफ उसको वर्ल्ड बैंक से कोई पैसा नहीं मिलेगा, वहां की स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो अब ये बनाए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक, उसके बाद में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इनका काम अलग अलग क्या है। उसके बाद में क्या बनता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये एक बीमा की तरीके से काम करता है, ठीक है, कि जहां पर जो है जोखिम होगा, जोखिम दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो है फाइनेंशियल जोखिम होते हैं और एक ऐसे जोखिम होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल जोखिम कौन से होते हैं, जैसे पॉलिटिकल कारण से अगर कहीं जो है पैसा फंस गया, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, क्योंकि गरीब देश में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आप म्यांमार में देख रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार जाती है, उसके बाद में सैन तख्ता पलट होता है, पाकिस्तान में कई बार सैन तख्ता पलट हुआ। तो इस तरीके के देश में
ये सब जो क्राइसिस आते हैं ये नॉन फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। तो वहाँ पर अगर ये जो एजेंसी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में है, अगर इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको एक बीमा यानी कि एक बीमा कवर देने का काम कौन करता है? उसी वर्ल्ड बैंक की एक एजेंसी करती है जिसका नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, इसका एक और एजेंसी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जैसे दो सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक के और वो आपस में किसी मुद्दे को लेकर के झगड़ रहे हैं और अगर वो मुद्दा फाइनेंस का है तो इसका काम है कि वो उनके बीच में बैठ करके एक समझौता कराएगा और उस समझौते के बाद में जो फैसला ले लेगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इस फैसले को दोनों पक्ष को मानना होगा। तो ये कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो झगड़े हैं उनको संतुलित कराने का काम करता है। अब इसको देखते हैं कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसका काम क्या है? तो जो पहला वाला आप देख रहे हैं इसका काम है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको बनाने में ये देशों अलग अलग देशों को क्या करता है, पैसा देता है कि आप इसको बनाइए, जैसे हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन में, इसके अलावा जो जो है स्वास्थ्य में, ये जो एकदम जरूरी चीज़ है, ठीक है, जो प्राइमरी जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए ये पैसा देता है दुनिया भर के अलग अलग देशों को जो इसके सदस्य हैं, यानी कि वर्तमान में 190 सदस्य हैं, तो उस सदस्यों को पैसा देता है कि आप बनाइए और उसके बाद में जब जो है उससे आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो आप पैसा वापस कर दीजिए। ठीक है, जो दूसरा है आपका IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका भी काम लगभग उसी के जैसा है जो काम आपका IBRD का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा छोटे देश को ज़्यादा प्रेफर करता है, जैसे अफ्रीका के देश बहुत गरीब हैं तो उनको प्रेफर करेगा, बांग्लादेश से आपका पड़ोसी तो उनको प्रेफर करेगा। तो वर्तमान में 189 देशों में से 77 देश ऐसे हैं जो कि IDA के तहत हैं, यानी कि IDA ने एक कैटेगरी बना के रखा है कि अपेक्षाकृत गरीब देश हैं तो उनको ज़्यादा प्रिविलेज देने की ज़रूरत है। 2014 तक आपका जो इंडिया है ना ये भी इसी कैटेगरी में था, लेकिन 2014 के बाद से इंडिया इससे बाहर हो गया और इस जो है इस इंस्टीट्यूशन के तहत उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, किससे? IDA से, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से। ठीक है, तो ये इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि ये जो है सबके लिए है और यहाँ क्या है कि जो छोटे देश हैं उनके लिए है। जो तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका काम है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं अलग अलग देशों में जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको बढ़ावा देना। ऊपर जो दो हैं वो ये नहीं देखते कि किसको दे रहे हैं, वो प्राइवेट को भी देंगे और गवर्नमेंट एजेंसीज को भी देंगे, लेकिन जो ये है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये मुख्यतः देता है प्राइवेट प्लेयर को, ताकि वहाँ पर जो है एक प्राइवेट प्लेयर के लिए भी व्यापार का माहौल बन सके। बाकी मल्टीलेटरल इन्वेस्ट गारंटी एजेंसी तो बीमा के तरीके से काम करता है, इसको मैंने बता दिया। और जो आपका ICSID है इसका काम है कि जो डिस्प्यूट है इन्वेस्टमेंट को लेकर के उसको सुलझाना है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है ये कोई एक जो है संस्था नहीं है, इसके अंतर्गत कई संस्थाएं काम करती हैं। तो वर्ल्ड बैंक है आपका, उसके बाद में IBRD है, फिर IDA है, उसके बाद में आपका IFC है, उसके बाद में आप देखेंगे MIG है यानी कि MIG बोलते हैं इसे, और उसके बाद में आपका ICSID। तो ये सब मिल करके बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, क्या बनाते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये है पूरा वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, काम कैसे करता है और जो इसकी अलग अलग एजेंसीज हैं वो कैसे काम करती हैं, इस वीडियो में आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम समर्पित है वेरियस एग्जाम को लेकर के। वेरियस एग्जाम का मतलब ये होता है कि डिफरेंट एग्जाम की तैयारी, जैसे कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा है या पुलिस की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्टेट का हो सकता है, चाहे हरियाणा का हो, UP का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट के सारे एग्जाम होते हैं अन्य जो है प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में, तो उनकी तैयारी या टेट, CTET, सुपर टेट जो अलग अलग स्टेट में होते हैं, उन सब की तैयारी एकदम फ्री में करवाया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है।
तो आप हमारे उस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको सलाह दे सकते हैं, आपके दोस्त हैं उनको सलाह दे सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाइए और उसको भी ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।